हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। इससे पहले मैंने एनालॉजी चैप्टर्स रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस पिछले वीडियो में बनाकर डाले थे और आज से हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं पेरेंट्स को यह भी बताना चाहूँगी, यह रीजनिंग न सिर्फ ओलम्पियाड एग्ज़ाम के लिए बल्कि ऐसे भी डेली यूज़ में भी आप बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं तो उससे बच्चों के ब्रेन जो हैं शार्प होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये पिक्चर इस प्रकार चेंज हो रहा है तो नेक्स्ट इस पिक्चर में क्वेश्चन मार्क बताया जा रहा है कि कौन सा पिक्चर आएगा। ऑप्शन हम देखेंगे ए, बी, सी एंड डी। इसमें हम देख रहे हैं स्मॉल एलिमेंट्स आर इन लार्ज एंड लार्ज एलिमेंट्स इन रिड्यूस इन साइज। मतलब छोटे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सेकेंड में जाकर बड़े हो जा रहे हैं और बड़े वाले छोटे हो जा रहे हैं। इसी प्रकार इसमें हम देख रहे हैं कि छोटे साइज के जो 4 स्क्वायर हैं वो बड़े हो जाएंगे और बड़े वाले छोटे हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये हाफ है, इसी में इसी का डबल हम एक शेप और बना देंगे। यानी हम इस प्रकार भी इसको समझ सकते हैं कि सेकंड फिगर फर्स्ट फिगर में हाफ हो जा रहा है। इसी प्रकार इसमें भी जो है फर्स्ट फिगर हमें फाइंड करना है, सेकंड फिगर फुल है तो फर्स्ट फिगर इसी प्रकार हाफ आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में हम इस प्रकार ये देख रहे हैं हाफ चांद भी इसको हम बोल सकते हैं, हाफ चांद हो रहा है और इधर ये जा रहा है फिर इस प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? तो हम इसमें देख रहे हैं कि फिगर फ्लिप वर्टिकली फिगर फ्लिप वर्टिकली। तो ये इसमें भी क्या हो जाएगा? फिगर फ्लिप वर्टिकली। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 1 एंड 2 ये कौन आ रहा है। सो सेकेंड एलिमेंट डिस्प्लेक्ट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन फर्स्ट एलिमेंट। सो इसमें हम स्ट्रेट लाइन काउंट करके लिख रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन कितना हो रहा है? 1 एंड 2, यहाँ पे 2 हो गया। इसी प्रकार इसमें भी हम क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन को काउंट करके लिखेंगे तो कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में हम देख पा रहे हैं इस तरह के ये पिक्चर्स हैं तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? इसमें हम देख पा रहे हैं सेकेंड एलिमेंट इज यूज टू ड्रॉ फर्स्ट एलिमेंट। यानी सेकेंड एलिमेंट ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट को यूज़ किया गया है। इसी प्रकार इसमें भी हम देखेंगे कि ये सेकेंड एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को ड्रॉ किया जा सके। तो ये एलिमेंट है जिससे हम फर्स्ट एलिमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21। देयर इज ए सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर ऑन आइदर साइड ऑफ, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द लेफ्ट पेयर एंड फाइंड द मिसिंग फिगर। इन दोनों में एक रिलेशनशिप है पेयर्स ऑफ फिगर के बीच में। इसी प्रकार इन दोनों के बीच में भी हम रिलेशनशिप को फाइंड करके मिसिंग फिगर को आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फिगर में 3 स्ट्रेट लाइन है, 1 2 3 स्ट्रेट लाइन है तो 3 हो गया। इसी प्रकार इस फिगर में कितने स्ट्रेट लाइन है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। There is a certain relationship between the pair of figure on either side of, identify the relationship of the given pair and find the missing figure. जो रिलेशनशिप इन दोनों फिगर में है, इसी रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए हमें इसके फिगर में रिलेशनशिप बताना है और मिसिंग फिगर को फाइंड करना है। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि बीच वाला हम हटा देते हैं तो ये ज्वाइंट हो जा रहा है। उसी प्रकार इसमें भी जो हम इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ज्वाइंट हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। From the first figure to second middle element, diminished and upper and lower elements joined together. Next question number 23. If Diwali is related to cracker in some way, then in the some way Holi is related to option A, B, C and D. जिस प्रकार दिवाली क्रैकर यानी फटाके से रिलेटेड है, उसी प्रकार होली में क्या होता है, ये वाटर गन होता है, पिचकारी जिसे बोलते हैं, उससे हम होली में खेलते हैं। तो सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्रैकर आर यूज्ड इन दिवाली इन द सेम वे वाटर गन आर यूज्ड इन होली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. इफ ट्रायंगल इज रिलेटेड टू ट्रायंगल इन सेम वे देन द सेम वे इज रिलेटेड टू, ये दोनों ट्रायंगल जिस प्रकार रिलेटेड है, उसी प्रकार इस ट्रायंगल से कौन सा ट्रायंगल रिलेटेड है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसके अंदर के कलर जो है एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहे हैं। बीच वाले कलर सेम हैं और अंदर वाले और बाहर वाले दोनों इंटरचेंज हो गए हैं। उसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, बीच वाले कलर सेम रहेंगे और अंदर और बाहर के कलर चेंज हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कलर ऑफ आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट फिगर आर इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 25. देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर ऑन द आइदर साइड ऑफ, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ गिवन पेयर एंड फाइंड द मिसिंग फिगर। इन दोनों फिगर में जो रिलेशनशिप है, उसी प्रकार इसमें हम रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए मिसिंग फिगर को फाइंड करना है। तो इस दोनों में हम देख पा रहे हैं कि इन द लेफ्ट पेयर द सैडेड एंड अनसैडेड पेयर गेट इंटरचेंज। ठीक है, जिस प्रकार जो है ये सैडेड है वो अनसैडेड हो गया और अनसैडेड सैडेड हो जाता है और अपने पोजीशन मतलब इंटरचेंज कर लेता है। इसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, सैडेड अनसैडेड हो जाएगा और अनसैडेड सैडेड हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी, अनसैडेड सैडेड हो गया और सैडेड अनसैडेड हो गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26. There is a certain relationship between pair of figure on the either side of, identify the relationship and find the missing figure. अब इसमें इन दोनों में जो relationship है, उसी प्रकार इसमें हम देखेंगे। फर्स्ट फिगर में 4 हो रहा है, 1, 2, 3, 4 साइड्स हो रहे हैं। तो नेक्स्ट फिगर में जाके साइड्स 1 माइनस हो जा रहे हैं, तो ये 4 हो रहे हैं, तो ये 3 हो जा रहे हैं। एंड इसी प्रकार इसमें भी हमारे साइड्स हो जा रहे हैं 2, 4, 6 साइड्स हैं। तो नेक्स्ट साइड जाकर ये क्या हो जाएंगे, एक माइनस होकर 5 हो जाएंगे। तो 5 साइड्स क्या हो जा रहा है, ऑप्शन डी में है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27. देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द pair of figure on either side of, identify the relationship of given pair and find the missing figure. जिस प्रकार इसमें relationship हो रहा है, उसी प्रकार next figure में भी हम relationship बताते हुए missing figure को find करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं figure same repeat हो रहा है, लेकिन color जो है interchange हो जा रहे हैं, color के position change हो जा रहे हैं। येलो की जगह रेड हो जा रहा है और रेड की जगह येलो हो जा रहा है। इसी प्रकार इसमें भी फिगर सेम रहेंगे और कलर चेंज हो जाएंगे, यानी ग्रीन की जगह ब्राउन हो जाएगा, ब्राउन की जगह ग्रीन हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, इस प्रकार हो रहा है, ग्रीन की जगह ब्राउन, ब्राउन की जगह ग्रीन। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. There is a certain relationship between the pair of figures on either side of. Identify the relationship and find the missing figure. इन दोनों फिगर को ध्यान में रखते हुए इधर की फिगर को हम फाइंड करेंगे. अब हम देख पा रहे हैं इन द लेफ्ट फेयर सेकेंड फिगर कैन बी ड्रॉ यूजिंग फर्स्ट फिगर. यानी ये जो फिगर है इससे हम सेकेंड फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं, फर्स्ट फिगर से सेकेंड फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं. उसी प्रकार इसमें भी हमें इस फिगर से कौन से शेप को हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो शेप ये स्क्वायर शेप को हम ड्रॉ कर सकते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 29. देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर ऑन आइदर साइड ऑफ. आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द लेफ्ट फेयर एंड फाइंड द मिसिंग फिगर. इन दोनों में देखते हुए इस फिगर के मिसिंग फिगर को फाइंड करेंगे. अब ये जो शेप है ये आगे जाके सेम कलर होते हुए बीच से डिवाइड हो जा रहा है, बीच से डिवाइड होकर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है. उसी प्रकार ये भी जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. इन द लेफ्ट फेयर फर्स्ट फिगर इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द एलिमेंट इन सेकेंड फिगर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. इफ बॉयज इज रिलेटेड टू दिस प्रकार डॉक्टर इज रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट इन सेम वे देन द सेम वे बार्बर इज रिलेटेड टू. जिस प्रकार डॉक्टर इस फिगर से रिलेटेड रहते हैं, उनके डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उसी प्रकार बार्बर के कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं. बार्बर अर्थात मोची. ए बी सी एंड डी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ये जो है इंस्ट्रूमेंट पर मोची सूज को रखकर बनाता है, मरम्मत करता है. सो आज के लिए इतना ही. आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं. साथ ही इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें. साथ ही प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा ये जानने के लिए अवश्य हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए. अभी हम रीजनिंग ही पर ही वीडियो लेकर आते रहेंगे. थैंक यू.